शिकागो के ओहावे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान को सोमवार 27 मई को उड़ान रोकनी पड़ी। दरअसल विमान के एक इंजन में आग लग गई। ये घटना कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें विमान के विंग से धुआं निकलते हुए देखा जा सकता है। यूनाइटेड फ्लाइट 2091 का इंजन उस समय आग की लपटों में घिर गया जब ये दोपहर के 2 बजे सिएटल के लिए उड़ान भरने वाला था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूनाइटेड एयरलाइंस ने अलग अलग बताया कि यह घटना टैक्सी वे पर घटी, जिसके बाद विमान से 148 यात्रियों और चालक दल के 5 सदस्यों को बाहर निकाला गया।